हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और हमने यहाँ पे पिछले टॉपिक में जो कवर किया था अपना, सेडिमेंटेशन एडिड विद कोगुलेशन देखा था। इसमें जितने भी आपके यूनिट्स थे उन सारी यूनिट्स को हमने कवर किया, यानी कि दैट इज नॉन एज क्लैरी फ्लैकुलेटर। क्लैरी फ्लैकुलेटर में आपने सबसे पहले फीडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने मिक्सिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने फ्लैकुलेशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आप सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज जो हम बात करेंगे डियर, आज हम बात करेंगे आपके फिल्ट्रेशन की, कि सर फिल्ट्रेशन होता क्या है। आम घरों में भी फिल्ट्रेशन आज की डेट में यूज होने लगा है डियर। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे आपके हिली एरिया है, जहां पे हम विदाउट फिल्टर ही वर्क करते हैं। जो आपके घरों में आरओ लगा हुआ है, वो भी एक काम किसकी तरह करता है, एक फिल्टर की तरह ही काम करता है, और दैट इज अ फिल्टर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि सर ये फिल्टर क्या है और फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं हम, और उस डिवाइस को बोला जाता है फिल्टर। क्लियर है? तो आइए जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। द प्रोसेस पासिंग द वाटर थ्रू द बेड ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल लाइक सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अगर हल्का सा आपको भी डायग्राम बना के देता हूं, वैसे तो मैं ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक फिल्ट्रेशन है, और ये फिल्ट्रेशन में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर डाल दी मैंने, यहाँ पे मैंने आपके पास किसकी ग्रेवल की लेयर डाल दी, यहाँ पे मैंने आपके पास एंथ्रासाइट की लेयर डाल दी, यहां पे मैंने आपके पास ग्रेवल की लेयर डाल दी, और ऊपर आपके पास सैंड की लेयर डाल दी। हो सकता है ये चारों ही लेयर मेरे पास सैंड की हो सकता है सारी ही एंथ्रासाइट की हो। यानी कि इसका मतलब जो यहां पे ग्रेनुलर मटेरियल का मतलब क्या है, ग्रेनुलर मटेरियल का मतलब है यहां पे फिल्टर मटेरियल, कि आप यहां पे कौन सा फिल्टर मटेरियल यूज करने वाले हैं। तो फिल्टर मटेरियल को देखें तो यहां पे सर आपने क्या डाल दिया, सर मैंने सबसे ऊपर मैंने यूज किया है आपका ग्रेवल। हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है यार, ग्रेवल भी हो सकते हैं। तो मैंने यहां पे कर लिया है सर ये ग्रेवल, या मैं सैंड ले लेता हूं, अभी इसको क्या ले लेता हूं, ऊपर वाले को सैंड मान लेता हूं। क्लियर है? तो इसको क्या मान लेता हूं, सैंड, और सैंड थोड़ा फाइनर होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या ले लिया है, सैंड ले लिया है। ये है मेरे पास सैंड, और सैंड के ऊपर मैंने, फिर सैंड के बाद जो मैंने डिवाइस डाले हैं, कुछ मैंने डाले हैं ग्रेवल, और ग्रेवल आपको पता है ये छोटे बड़े होंगे, तो यहां पे मैंने क्या डाल दिया है, ग्रेवल डाल दिया। क्लियर है? ये ग्रेवल मैंने यहां पे इसके ऊपर डाल दिया। अब ग्रेवल के बाद हो सकता है एंथ्रासाइट, बट इंडिया में तो एंथ्रासाइट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो एंथ्रासाइट होते हैं वो आपके बहुत ही कॉस्टली होते हैं। एंथ्रासाइट क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। क्लियर है? बट क्या करें, हम जो लोग नकल कभी काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, और हम सभी को ही पता है कि एंथ्रासाइट की क्वालिटी का ही हमने सेम एक निकाला है एक्टिवेटेड कोल। एक्टिवेटेड कोल की जो प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये मैं अभी लिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लिखो आप। दिस इज द एंथ्रासाइट, और लास्ट में मैंने आपके पास डाल दिया यहाँ पे गार्नेट सैंड। मैंने आपको सारे यहाँ पे दे दिए, ठीक है। पहले मैंने डाला आपके पास, पहले सर आपने बोला कि सैंड का यूज़ किया, फिर सर आपने ग्रेवल का यूज किया, ठीक है। ग्रेवल के बाद आपने किसका यूज किया, एंथ्रासाइट का यूज किया, किसका, एंथ्रासाइट का यूज किया, और एंथ्रासाइट के बाद आपने किसका यूज किया डियर, हो सकता है आप गार्नेट सैंड, कौन सा, गार्नेट सैंड, गार्नेट सैंड, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि कौन सा है, दिस इज द फिल्टर मटेरियल। ये क्या है, आपके फिल्टर मटेरियल है। अगर आप इन फिल्टर मटेरियल को यूज करेंगे तो आपका वाटर प्योर होगा। क्लियर है? तो सर ये जो ग्रेनुलर मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती है। ग्रेनुलर मटेरियल का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, और किसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आपके वाटर को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या एक प्रकार की एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, आपके इनलेट से यहां से पानी आएगा, आपका कुछ पानी यहां पर आया, पानी देखो यहां पर आया, तो हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज इसके इस लेयर पर रुक जाए, ठीक है, फिर यहां आया, हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज इस लेयर पे रुक जाए, यानी कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके पास एक क्लीन वाटर मिल जाएगा, जिसको आप क्या कर लोगे आगे। अब इस पे मत जाइएगा कि डायग्राम क्या है, इस पे मैं जस्ट अभी समझा रहा हूं, डायग्राम आएगा कैसे वर्क करता है सब बताऊंगा,
ठीक है, कि फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे हम वाटर को एक बेड से ग्रेनुलर मटेरियल कि एक वाटर एक फिल्टर बेड बना लेते हैं। फिल्टर बेड किसका बना हो सकता है सर? वो सैंड का भी हो सकता है, ग्रेवल का भी हो सकता है, एंथ्रासाइट का भी हो सकता है और ग्रेनाइट सैंड का भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप एक डिवाइस के थ्रू यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है दैट इज फिल्टर। तो यहां पे लिखा है हमने कि फिल्ट्रेशन हेल्प इन सॉरी द डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल, कि एक डिवाइस जिसका यूज करते हैं हम कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल में एंड यूज फॉर द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर। उसको क्या नाम देंगे हम? फिल्टर नाम देंगे। उसके बाद सर ये फिल्ट्रेशन हेल्प्स टू रिमूविंग, किस किस में हेल्प करता है? कि जो प्रॉपर्टीज आपकी यानी कि जो इंप्योरिटीज आपकी सेडिमेंटेशन स्क्रीनिंग एरिएशन में रिमूव ना हो सकी, उन इंप्योरिटीज को कौन रिमूव करेगा? आपका फिल्ट्रेशन। और यहां पे जो भी फिल्ट्रेशन में जो इंप्योरिटीज होगी वो माइक्रो में होगी, ठीक है, यानी कि उनका साइज बहुत छोटा होगा पहले ही, ठीक है, वो डिजोल्व फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा, फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन द रिमूविंग डिजोल्व इंप्योरिटीज, कि जितनी भी डिजोल्व इंप्योरिटीज होगी उनको भी रिमूव करेगा और साथ में डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर उनको भी रिमूव करेगा और साथ में फाइन फ्लॉक पार्टिकल इज ऑल्सो रिमूव एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिमूव एंड फिल्टर कैन ऑल्सो रिमूव कलर टेस्ट एंड ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टर भी आपके पास कितना सारा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि फिल्टर का एक ही काम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करना, इसका मतलब है ये सभी चीजों को रिमूव कर सकता है। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे, ये सर कलर को भी रिमूव कर सकता है, टेस्ट को भी रिमूव कर सकता है, ऑर्डर को भी रिमूव कर सकता है। एंड फिल्टर कैन ऑल्सो बी रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड विच आर नॉट मूव इन द सेडिमेंटेशन, रिमूव इन द सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर है? तो लास्ट लाइन क्या बोल रही है कि फिल्टर आपका उन चीजों को भी रिमूव कर लेता है, यानी कि ऐसी इंप्योरिटीज को भी रिमूव कर लेता है जो आपके सेडिमेंटेशन टैंक ने रिमूव नहीं की है डियर। तो दिस इज द फिल्ट्रेशन। तो अब हम बात करेंगे यहां पे ग्रेनुलर मटेरियल की। ग्रेनुलर मटेरियल मींस मतलब यहां पे हम किसकी बात करेंगे? फिल्टर मटेरियल की। किसकी? फिल्टर मटेरियल की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे यहां पे फिल्टर मटेरियल की बात करेंगे कि सर ये फिल्टर मटेरियल होते कौन कौन से। तो आइए जानते हैं हम अपने फिल्टर मटेरियल के बारे में। अगर हम फिल्टर मटेरियल की बात करते हैं तो फिल्टर मटेरियल में आपके पास सैंड होता है, ग्रेवल होता है, एंथ्रासाइट होता है और ग्रेनाइट होता है। क्लियर है? ये सब ग्रेनाइट भी एक प्रकार का सैंड है, एंथ्रासाइट हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड। और कभी कभी अगर आपकी लोकल अवेलेबिलिटीज है वहां के आपके नियर अबाउट में ना सैंड है ना ग्रेवल है ना सर एंथ्रासाइट है ना ग्रेनाइट है, तो सर आप वहां पे कोकोनट हस्क कोकोनट के छिलके जो बाहर के छिलके होते हैं उनका यूज भी आप एज ए ग्रेनुलर मटेरियल कर सकते हैं। राइज हस्क ये क्या है आपके पास? राइज हस्क। और राइज हस्क क्या होता है आपके पास? भाई आपने धान तो देखा होगा, चावल देखा होगा, चावल का जो पहले धान होता है जिसको धान बोलते हैं, धान का छिलका, ठीक है, राइज का छिलका, ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं दैट इज राइज हस्क। राइज हस्क के बाद आता है क्रश्ड ग्लास, कि जितने कभी कभी आपके जो ग्लासेस के पीस को तोड़ के उनको क्या बनाया जाता है? क्रश्ड ग्लास बनाया जाता है, तो उसका भी यूज हम कभी कभी ग्रेनुलर मटेरियल या फिल्टर मटेरियल के अंदर कर सकते हैं डियर। और लास्ट में मेटल और क्लियर है। इनका मैं सभी को आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और इनकी प्रॉपर्टीज जानना भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम और इंटरव्यू पर्पस से यहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि सर सैंड ग्रेवल एंथ्रासाइट ग्रेनाइट इन चारों में से इंडिया में कौन सा यूज किया जाता है, करते हैं तो क्यों करते हैं और दूसरे हैं उन्हें क्यों नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आइए जानते हैं इनको अब वन बाई वन करके हम। सबसे पहले मैंने आपको यहां पे ग्रेवल आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये मैंने आपके पास क्या लाया है? सैंड लाया है। तो सैंड की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि जो भी सैंड आप ऑब्टेंड होगा वो कैसा होना चाहिए आपके पास? वो आपके पास हार्ड रॉक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने बिल्कुल नॉर्मल नदी वाला सैंड उठा लाए,
ठीक है। रिवर्स में कभी कभी क्या होता है सैंड, वो हार्ड नहीं होता है, कुछ टाइम तक हो सकता है कि जैसे ही वो हिली एरिया से निकला उसके जस्ट नीचे हिली के बॉटम वाला जो सैंड होता है बहुत ही अच्छा होता है, बट जैसे जैसे वो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मानसरोवर से रिवर्स बह रही है, मानसरोवर के नीचे नीचे हम गंगा तक का जो हरिद्वार तक का जो सैंड है उसका हमने यूज कर लिया है, बट जैसे जैसे वो आगे फैलता गया तो सैंड अपनी प्रॉपर्टीज क्या करता रहता है, अपनी जो उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टीज होती है उतनी अच्छी बेटर नहीं होती जितनी बेटर वो वहां पे उसके बॉटम पे होगी जहां से फॉल करती है जस्ट उसके यानी कि हिल के नियर अबाउट। क्लियर है? तो मैं यहां पे अगर सैंड में लिखना चाहूं पहली प्रॉपर्टीज, तो इसको मैं थोड़ा भाई नीचे कर लेता हूं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि सर ये कहां से ऑब्टेन होना चाहिए हमें, ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ड रॉक। तो मैं लिखता हूं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्ड रॉक, ये हमें हार्ड रॉक से मिलना चाहिए, पहला पॉइंट बिल्कुल सही। जैसे सच एज जैसे आपका क्वार्टाजाइट हो गया ट्रैप हो गया, ठीक है। कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, सच है, जैसे क्वार्टाजाइट हो गया, ट्रैप हो गया, बसाल्ट हो गया, एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है सर? फ्री फ्रॉम क्ले, लूम एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी नहीं होनी चाहिए, लूम भी नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लूम क्ले एंड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। क्लियर है? अगर इसमें पहले से ही अगर आपका ये सब कुछ पाया गया तो ये कहां आपके वाटर को यार फिल्टर करेगा, बिल्कुल भी फिल्टर नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए सर? फ्री फ्रॉम होना चाहिए किससे होना चाहिए सर? क्ले लूम से फ्री फ्रॉम होना चाहिए और आपका एंड ऑर्गेनिक मैटर से रिमूव होना, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड हम बात करते हैं कि सर इसका साइज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म साइज इन नेचर का होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ में हम लिखेंगे कि फोर्थ क्या होना चाहिए सर? हार्ड एंड रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? हार्ड एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिफ्थ क्या होगा कि सर इसका ये ड्यूरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज ड्यूरेबल होना चाहिए। और ड्यूरेबल के लिए आप एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कैसे करते हैं? इसमें आप HCl के सॉल्यूशन में आप क्या डालते हैं? ये सैंड डालते हैं। अगर आप विद इन 24 आवर्स के लिए उसको उसके अंदर रखते हैं अपने HCl सॉल्यूशन में, अगर ये वाला सैंड 5% से ज्यादा इसकी वेट, पहले इसका इनिशियल वेट देखा तो W1 हुआ, फिर इसका फाइनल वेट लेंगे आफ्टर द जब इसमें HCl सॉल्यूशन में इसमें डाल दिया उसके बाद फिर से इसका वेट करेंगे, अगर वो वेट डियर आपके पास 5% से ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर उसने अपना वेट 5% से ज़्यादा लूज कर दिया तो इसका मतलब वो सैंड आपका बेटर नहीं है आपके फिल्टर मीडिया के लिए। तो ड्यूरेबल होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करें, इफ HCl सॉल्यूशन में क्या करें उसको फिल करें कितने टाइम के लिए है? 24 आवर्स के लिए, ठीक है। एंड इट हैज नॉट लूज मोर देन 5% वेट। क्लियर है? तो अपना लूज कितना नहीं करेगा, 5% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो आप उसका यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप सैंड का टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HCl टेस्ट किया जाता है। और कितने टाइम्स के लिए डीप करके रखते हैं उसमें आप? 24 आवर्स के बाद देखते हैं, 24 आवर्स तक रखते हैं, ठीक है। अब आ जाता है सिक्स पॉइंट में आपको क्या बोलता है, सिक्स पॉइंट बोलता है कि सर इसका इग्नियस लो, कि जब आप इसको बर्न करते हैं इग्नियस लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब 0.07% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्स, इग्नियस लॉस शुड नॉट बी लेस देन 0.7%। इग्नियस लॉस मतलब कि जब आप इसको बर्न करोगे तो इसकी बर्निंग प्रॉपर्टीज में इसका लॉस 0.7% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेयरिंग लॉस
वेयरिंग लॉस इसका, वेयरिंग लॉस इसका आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 7%, 7% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इफ, और जो भी सेंड आप यूज कर रहे हैं उसमें आपके पास 2% से ज्यादा कैल्शियम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो सेंड आप यूज कर रहे हैं, सेंड शुड नॉट बी मोर देन 2% ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बोले सी, कि उसमें 2% से ज्यादा आपके पास कैल्शियम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज के अंदर अभी तक क्वेश्चंस भी पूछा गया है। और क्वेश्चंस आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, HCl सॉल्यूशन में डिप किया जाता है 24 आवर्स के लिए और फिर उसका वेट किया जाता है, अगर वेट आपका 5% से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और एक ये पूछा गया है कि जो सैंड आपको ऑब्टेंड होता है कहां से होता है, तो आपके पास वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, क्वार्टजाइट हो सकता है, ट्रैप हो सकता है और बसाल्ट हो सकता है, एक्सेट्रा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम क्ले, लूम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, क्लियर है, ये बात आपको समझ गई। अब बात ये आती है कि सर आप हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका सैंड का, इन इंडिया, नोट पॉइंट करके लिखेगा, इन इंडिया मोस्टली Sand is used as a filter material। और याद रखना सैंड में भी कौन सा सैंड यूज करते हैं, सैंड में यहां पे जो सैंड यूज करते हैं उसको भी पूछा जाता है सिलिका सैंड। सैंड में भी सर जो यूज करेंगे हम वो कौन सा रहेगा, सिलिका सैंड। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पास ये इंटरव्यू में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ सैंड पता है, ये पता नहीं है कि इंडिया के अंदर कौन सा सैंड हम यूज कर रहे हैं, दैट इज सिलिका सैंड, क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट, आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड बात करते हैं हम ग्रेवल की। यहां पे आपको ग्रेवल दिख रहे हैं व्हाइट ब्लैक जैसे आपको कलर दिख रहा है, ये दिस इज द ग्रेवल। ये ग्रेवल की भी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सर, ये क्या होना चाहिए आपके पास, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए सर, ग्रेवल का क्या होना चाहिए सर, इट इज हार्ड होना चाहिए सर, ये हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए सर, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द इंप्योरिटीज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द इंप्योरिटीज होना चाहिए, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये जो आपके पास होने चाहिए प्रॉपरली राउंड शेप के होने चाहिए, जब आप फिल्टर मीडिया यूज करें इसके तो प्रॉपरली कैसे होने चाहिए, राउंडेड शेप में होने चाहिए, प्रॉपरली राउंडेड शेप में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, प्रॉपरली राउंडेड शेप में होने चाहिए। और इनकी जो डेंसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इनकी डेंसिटी नियर अबाउट होनी चाहिए 1600 केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, क्लियर है, ये बात भी याद रखना। अब जब भी आप ग्रेवल की लेयर्स को प्रोवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ लेयर्स में होता है, 4 to 6 लेयर्स में इसको हम डालते हैं, ठीक है। तो ग्रेवल्स आर प्लेस्ड 2-4 लेयर में, कितनी लेयर में, तो ग्रेवल्स आर प्लेस्ड 2-4 लेयर, कितनी लेयर में रहेगा आपके पास, 4 लेयर्स में रहेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप में जो रहेगा वो सबसे फाइन रहेगा, सबसे फाइन साइज का रहेगा, फाइन साइज पार्टिकल, और बॉटम में रहेगा वो थोड़ा बिगर साइज का रहेगा, क्लियर है, दैट इज फाइन साइज एंड दैट इज बिगर साइज। अब यहां पे हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, बस थोड़ा सा पॉइंट बचा है आपके पास, देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाती है लेयर और यहां पे रह जाता है आपका डेप्थ का साइज, और यहां रह जाता है साइज ऑफ ग्रेवल, क्लियर है। अब देखिएगा लेयर, जो पहली लेयर रहेगी आपकी टॉप लेयर, फिर उसके बाद दो इंटरमीडिएट लेयर, फिर भी इंटरमीडिएट लेयर,
इंटरमीडिएट लेयर और लास्ट में रहेगी आपके पास दैट इज बॉटम लेयर। कौन सी लेयर? बॉटम लेयर। डेप्थ इनके सबकी कितनी रहेगी हमारी? 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और मैंने कहा है कि सबसे ऊपर का जो पार्टिकल का साइज यानी कि ग्रेवल का साइज होगा वो सबसे फाइन होगा, सबसे मतलब फाइन साइज का होगा। तो कितना होगा? 3 to 6 mm, तो दैट इज 3 to 6 mm का होगा। उसके बाद 6 to 12 mm का होगा और उसके बाद 12 to 20 mm का होगा एंड 20 to 40 mm का होगा। और ये एक या दो तीन बारी ये इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है कि जो आपके पास फिल्टर मीडिया होता है, फिल्टर मीडिया में आप मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेवल कितना यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिल्टर हम जो यूज करते हैं दैट इज 20 to 40 mm करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंटरव्यू पर्पज। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना आपने, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर भी है कि आप इसको कितना लर्न कर पा रहे हो। ठीक है, अब जो चीजें है यार, ऐसा तो नहीं है कि लर्न करने को इन्वायरमेंटल में बहुत ज्यादा है और चीजों को समझना भी एक अपने आप को, ये चीजें भी आनी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम अगले, और अगला रहेगा आपके पास दैट इज एंथ्रासाइट। अगला क्या है? एंथ्रासाइट। अब हम जब एंथ्रासाइट की बात करते हैं डियर यहां पे, तो एंथ्रासाइट का हम कॉमनली यूज्ड इन यूएसए। सबसे पहले पॉइंट, इट इज कॉमनली यूज्ड इन यूएसए। ठीक है, एक रीजन है सर यूएसए में क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली है। तो हम लिख सकते हैं It is costly as compared to sand, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम substitute of the sand, substitute for sand। और ऐसा नहीं है, आप sand और anthracite का use भी कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकता हूं मैं point कि can be used कंजुगेशन विद सैंड। कि सर आप सैंड और एंथ्रासाइट का दोनों का भी यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम कहां पे? आपका ड्यूल फिल्टर मीडिया में। कहां पे? ड्यूल फिल्टर मीडिया। क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है कि एंथ्रासाइट और सैंड का हम कंबाइंडली यूज कहां किया जाता है आपके पास? ड्यूल फिल्टर मीडिया में करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? बट भाई इंडिया वाले भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, उनको भी तो कॉपी करना है। तो उन्होंने क्या किया, इस एंथ्रासाइट की प्रॉपर्टीज को मैच कर लिया एक एक्टिविटेड कॉल के साथ। किसके साथ? एक्टिविटेड कॉल के साथ। तो नोट डाल के लिखेंगे हम, नोट डाल के, इन इंडिया इज यूज्ड, क्या किया उसकी जगह उन्होंने, एंथ्रासाइट की जगह एक्टिवेटेड कॉल का यूज किया। और एक्टिविटेड जो कोल है ये आपके पास सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये आपको नहीं पूछेगा कि कहाँ है, कैसा प्रोसेस है, बस आपको याद रखना कि इन इंडिया यूज एक्टिविटेड कोल। क्यों? एंथ्रासाइट की जगह क्या यूज करते हैं? आपका एक्टिविटेड कोल यूज करते हैं, जो किसके द्वारा तैयार किया गया है? CPHRI, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। क्लियर है? तो ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो दिस इज द एंथ्रासाइट। क्लियर है? थोड़ा कॉस्टली है, इंडिया में इसका यूज नहीं करते हैं, बट इसका यूज हम ड्यूल इन फिल्टर मीडिया के अंदर कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है गार्नेट सैंड। गार्नेट सैंड की बात करते हैं तो ये जो सैंड होता है सबसे हैवियर सैंड होता है, हैवियर होता है आपके सैंड में, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.2 के आसपास होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो गार्नेट सैंड होता है ये क्या होता है? हैवियर होता है, हैवियर देन सैंड होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 4.2। यही क्वेश्चंस पूछा जाते हैं एग्जामिनर में। ठीक है, वो ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका यूज हम मल्टीमीडिया फिल्टर में करते हैं, यूज्ड इन मल्टीमीडिया फिल्टर में करते हैं।
क्लियर है। और इसी को हम ग्रीन, इसी को जो गार्नेट सैंड है, ये इसी को इंडिया में इसका जो यूज करते हैं एज ए ग्रीन सैंड करते हैं, एज ए ग्रीन सैंड इसका यूज इंडिया में करते हैं, यूज इन इंडिया। ठीक है, तो जितनी सारी थी यहां पे वो आपको सारे के सारे बता दिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको लिखा है और इन पॉइंट्स से बाहर आपको जाना भी नहीं है, पूरी डिटेल्स नहीं है आपके पास, वो पॉइंट्स है जो अक्सर एग्जाम आपसे पूछते हैं और ये ऐसे पॉइंट्स है जो शायद ही आपको बुक में पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएंगे यार। ठीक है, तो इसीलिए इन पॉइंट्स को मैंने इस तरह से कैप्चर करके रखा है आपके लिए कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर मार्क्स कर दो। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, कौन सा इंडिया में करेंगे कौन सा बाहर करेंगे ये चीज आपको जाननी। अब जो मैंने बताया था कि कुछ लोकल अवेलेबिलिटी पे, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द राइस हस्क, आपको दिख रहा होगा यहां पे धान का छिलका, दिस इज राइस हल्क, इसको क्या बोलते हैं हम, राइस हस्क, राइस हस्क। ठीक है, तो राइस हस्क का भी यूज आप कर सकते हैं एज ए फिल्टर मीडियम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेके आया हूं मैं आपके पास इस कोकोनेट, तो कोकोनेट का भी आप यूज, कोकोनेट हस्क, कोकोनेट के छिलके का यूज भी आप एज ए कैसे कर सकते हैं, एज ए फिल्टर मीडिया कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ यहां पे, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटल ओर, दैट इज मेटल ओर, मेटल ओर का यूज भी आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, फिल्टर मीडिया कर सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट लेके आया हूं आपके पास, दैट इज क्रश्ड ग्लास, दैट इज क्रश्ड ग्लास, और क्रश्ड ग्लास का भी यूज आप कभी कभी कर सकते हैं, किसके लिए, किसके लिए कर सकते हैं, क्रश्ड ग्लास का यूज भी आप कभी कभी फिल्टर मटेरियल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम अक्सर पूछता है डियर। क्लियर है, अगले वीडियो लेक्चर्स में हम जो कवर करेंगे अपना, वो मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर की बात देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।